नमस्कार, हर हर महादेव। अभी इस वक्त हम ट्रेन में है, मैं ट्रेन में हूँ और आप लोग देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रुकी है। खलीलाबाद आया है, खलीलाबाद दिल्ली से गोरखपुर जा रहा हूँ। पिचू महाराज जी का जन्मदिन है और आज कुछ ऑक्सीजन भी ले जा रहा हूँ, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो वो ग्रामीण क्षेत्र में आज उसको मैं बांटूंगा, जहां जहां ऑक्सीजन नहीं है ग्रामीण में। शहर में तो उपलब्ध हो चुका है केंद्र सरकार राज्य सरकार की वजह से, ग्रामीण में कुछ कुछ छोटे अस्पताल हैं, तो वहां के लिए कुछ ऑक्सीजन ट्रेन में अपने हाथों से जाऊंगा और सबको दूंगा। तो महाराज जी का जन्मदिन है, महादेव गोरक्षनाथ बाबा से बहुत सारी विनती है, प्रार्थना है कि उनको स्वस्थ रखें और 50 साल के आज हो गए हैं, और इसी तरह राज्य की देश की सेवा करते रहें, जनमानस की सेवा करते रहें। और आप लोग सब लोग इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें और महादेव करेंगे हम लोग इस दूसरी लहर को तो जीत पा रहे हैं काफी हद तक, तीसरी की तैयारी कर लिए हैं, लेकिन आप लोग भी अपने आप को बचा के रखें और कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जय हो, जय हिंद, हर हर महादेव। भारतीय रेल अद्भुत रेल है, मैं बहुत कम चलता था लेकिन जब से राजनीति में आया हूं तो ट्रेन में शुरू किया है। बड़ा मेरा कमरा आप लोग देख रहे हैं, सो यस, अद्भुत है। मैं धन्यवाद दूंगा रेल मंत्री जी को, रेल इंडिया को और पीयूष जी को, और अद्भुत सेवा, वेरी क्लीन सब कुछ। ट्रेन में आप लोग जरूर सफर यात्रा करते होंगे, करते रहिए, अब व्यवस्थाएं बहुत बहुत सुंदर हो गई है। जय हिंद, भारत माता की।